वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वीडियो जो कि एक अगेन बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो रिक्वेस्ट की है मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर कीर्ति ने, एंड मेरी खुद की कज़न ने भी ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी कि आप दीदी मेकअप बताओ फॉर बिगनर्स, जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जो गर्ल्स हैं, वो जिनको थोड़ा सा भी मेकअप करना नहीं आता, तो उनके लिए इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ दिस थिंग। तो वो उन्होंने कहा है कि दीदी हमें कुछ ऐसी वीडियो बताओ जो बहुत इजी भी हो और हमें टफ भी ना लगे। तो गाइस, ये वीडियो जो आपने रिक्वेस्ट की है वो बनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी जो कि है रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या मेकअप चाहिए, ठीक है, जो कि आप मार्केट में जाकर खरीद दो अगर आपके पास नहीं है। तो देखो, डायरेक्टली मेकअप करना नहीं शुरू कर देंगे, पहले जाकर सामान खरीदेंगे, ठीक है, और फिर आप जाकर वो सामान ले लो जाकर, एंड देन उसके बाद आप मेकअप करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा सामान जो कि आप ले लो, एंड देन उसके बाद स्टार्ट करो मेकअप, ठीक है। और जैसे जैसे आप करना स्टार्ट कर दोगे आपको इसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन आप बहुत अच्छा मेकअप कर पाओगे। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए मेकअप ब्रशेस, ठीक है। अगर आपके पास मेकअप ब्रशेस नहीं हैं, ठीक है, तो आप मार्केट में जाकर स्पॉन्ज ला सकते हैं, ब्यूटी स्पॉन्ज आते हैं, ये देखिए ये वाले, ठीक है, ये स्पॉन्ज आप ला सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्ज भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग फिंगर टिप्स के साथ ही मेकअप को कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मेकअप जब भी फिंगर टिप्स के साथ अप्लाई किया जाता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके हाथ की जो वॉर्मथ होती है ना वो उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ये मेकअप ब्रशेस जो मेरे पास हैं ये मैंने मंगवाए हैं सब ऑनलाइन, ठीक है। जिससे एक मैंने खुद ख़रीदा था मार्केट जाकर, ये कलाबार का है, कुछ ब्लशर लगाने के लिए मेकअप ब्रश, ठीक है। तो ये बाकी वाले जो हैं इनकी किट ली थी मैंने पूरी, एंड उसमें हर तरह का मेकअप ब्रश होता है, 32 सेट ब्रशेस की ये किट थी। अगर आप चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तब आप देख ली होगी क्या किट है ये। तो ज़्यादा मेन जो आपको चाहिए वो है फाउंडेशन लगाने वाला ब्रश, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर मैं ज़्यादा ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगी रहूँ, उसके साथ बहुत पेशेंस चाहिए, इसके साथ इतनी पेशेंस नहीं चाहिए, जल्दी 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 से आपने स्प्रेड किया एंड देन हो गया, ठीक है। तो ये ब्रश मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, एंड ये ब्रश चाहिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरा हमें चाहिए जो मेन ब्रश चाहिए वो, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वो है मॉइस्चराइज़र। कोई भी तरह का मॉइस्चराइज़र आपके पास अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, जिससे कि आप अपने फेस को मॉइस्ट करोगे, आप मॉइस्चराइज़र करोगे अच्छा सा स्किन पे। अब ये मॉइस्चराइज़र आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली है, या कैसी भी स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट, वो लगाना ही लगाना है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सेकेंड चीज़ जो आपको लगानी है वो है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर क्यों ज़रूरी है? प्राइमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर जो है एक क्लीन बेस तैयार कर देता है आपके फेस पे, एंड जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या पिंपल्स हैं या ऊंची नीची स्किन है, एकदम से बिल्कुल सीधी स्किन नहीं है, तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, वो तो चलो बिगनर्स बच्चों के लोगों को नहीं होते फाइन लाइन रिंकल, पर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको तो अगर मेकअप करने का दिल करे तो प्राइमर इज़ अ मस्ट। मोर ओवर प्राइमर जो है वो आपके ऑयल कंटेंट को बहुत कंट्रोल करता है, गर्मियों में भी प्राइमर बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी तरह का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, फेसिस कैनेडा का या जो भी तरह का, अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एक बजट फ्रेंडली प्राइमर बताती हूँ। ये ब्लू हेवन का प्राइमर है, ठीक है, बजट फ्रेंडली है बिल्कुल। इसकी कॉस्ट इस पे नहीं लिखी है इसकी कॉस्ट, पर आप देख लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना। ऑयल फ्री है ये और नॉन ग्रीजी प्राइमर है, ये आपको चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइमर नहीं कर पाते हो कहीं से भी मैनेज, तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो एज ए प्राइमर। प्राइमर लगाकर आपको उसको सेट होने देना है कुछ एक दो मिनट के लिए, देन आप उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आपको प्राइमर लगाने के बाद चाहिए, देखिए, फाउंडेशन, ठीक है। तो ये भी मैंने एक क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, ये वाली शेयर कर रही हूँ, तो मैंने हर वो चीज़ ऐसे ही यूज़ की है जो बजट फ्रेंडली है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये स्टे क्वालिटी की लिक्विड फाउंडेशन है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी अभी पीछे, और मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ मेरे चैनल पे, अगर आप कुछ पीछे प्रीवियस वीडियोस पे जाओगे आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली मिली, और इस वक्त तो दिवाली सेल भी चल रही होगी, करवा चौथ करवा कुछ तो चल ही रहा होगा, दशहरा का भी आप चेक कर लेना, आपको बजट में मिल जाएगी। यार मेरी जो शेड है मैं आपको बताती हूँ, ये है
सीक्रेट सैंड शेड नंबर 1 है जो मैंने मंगवाई है। मेरे पास बहुत तरह की फाउंडेशंस हैं पर ये वाली ठीक है, लाइट वेट है एंड जो आप यूज़ कर सकते हो डे दिन में कहीं कुछ करना हो, बहुत हैवी मेकअप नहीं करना हो, तो ये टीनेजर्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है स्टे क्वालिटी की। पर हाँ, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, आपको ऑफलाइन ये कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में। तो अगर आपको मार्केट में जाके सर्च करना है तो आप कोई भी ले सकते हो, मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन ले सकते हो या फिर आप कोई जो आपको कंफर्टेबल लगती है लैक्मी ही ले सकते हो यार, बजट में लैक्मी की फाउंडेशन। शेड भी आप देख लेना लगाकर और फाउंडेशन उसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। तो सेकंड थिंग हो गई हमारी फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो है, देखें आप, कंसीलर, ठीक है। कंसीलर क्या होता है, जैसे हम लोगों को लिप्स के अराउंड यहाँ पर डार्क एरिया होता है, थोड़ा सा नेचुरल होता है, नोज़ के अराउंड यहाँ पर डार्क एरिया होता है, ठीक है। देन ये आईज़ के अंडर एरिया जो है ये डार्क होता है, तो ये पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करने के लिए हमें कंसीलर चाहिए होता है। कंसीलर बहुत कलर्स के आते हैं, मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आप देखो कलर करेक्टर उनको वो वाले बोलते हैं हम, पर ये कंसीलर मैंने मंगवाया हुआ है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। ऑनलाइन यार बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, purple.com पे आप देख लियो, और ये मैंने वहाँ से मंगवाया हुआ है। ये अगर जब मैं अपनी वीडियो शेयर करूँगी मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे लगाना है। सो नेक्स्ट इज़ कंसीलर। अगर आप कंसीलर नहीं ले पाते हो, इन केस आपके पास नहीं है या आप नहीं ले पाते हो, तो यार कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिस जगह पर आपको कैंसिल आउट करनी है डार्कनेस, आप वहाँ पर डबल और ट्रिपल लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फेस पे तो आप सिंगल लेयर यूज़ करोगे ना, वहाँ पर आप डबल या ट्रिपल लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? ओके, तो नेक्स्ट हमें जो चाहिए, देखो जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो हमें उसको, अगर तो गर्मियाँ हों और आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो फाउंडेशन को हमें हमेशा सेट करना पड़ता है, ठीक है। सेट करने के लिए हमें एक, सॉरी डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है यहाँ पर, तो बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आज छुट्टी है तो सब लोग घर पर हैं और अपने अपने हिसाब से शोर मचा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक फेस पाउडर अच्छा सा, और फेस पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लैक्मी का या कोई भी आप फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इवन बनाना पाउडर आता है मार्केट में, आप वो देख सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी ओरिफ्लेम का फेस पाउडर जो मैंने मंगवाया था, ठीक है। एंड इसके साथ एक ये इसका एप्लीकेटर आता है, एंड ये फेस पाउडर है, ये वाली शेड आप देखें। जब मैं शेयर करूँगी आपके साथ वीडियो तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इसका पर्पस क्या है फेस पाउडर का, ठीक है। नेक्स्ट ये सब होने के बाद आपके फेस पे एक क्लीन बेस रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो बेस को रेडी करने के बाद अब आपको स्टार्ट करना है अपनी आईज़ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आईज़ को आपने कंसील कर लिया है, उनको भी आपने सेट कर लेना है पाउडर के साथ, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब आपके ब्रशेज़ यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। और देखिए हाथ से भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप बिगनर हैं तो, पर अच्छी और जो प्रोफेशनल फिनिश आती है ना वो ब्रश के साथ आती है। तो आप छोटी सी किटें ले सकते हैं मेकअप ब्रशेज़ की, और इवन ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो जिसमें ज़्यादा नहीं आई से रिलेटेड कुछ ब्रश होने चाहिए एंड ब्लशर लगाने के लिए ब्रश होना चाहिए, और बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ ब्रश हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। मेरे पास वैसे 32 वाला मैंने बताया आपको, एक वो सेट पड़ा हुआ है, कुछ और सेट भी है मेरे पास। तो ये एक मेरे पास है पाउडर ब्रश, पाउडर करने के लिए जो मैंने आपको बताया फेस पाउडर लगाना है उसके लिए ऐसे से, और दूसरा मेरे पास है ये हाइलाइटर ब्रश है, ये फैन ब्रश भी बोलते हैं इसको, आप देखें फैन ब्रश बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइलाइटर लगाने के काम आता है। देन आफ्टरवर्ड्स मेरे पास कॉन्टोर करने के लिए एक ब्रश है। ये सब चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी, कोई बात नहीं, लिख दें अपार्ट। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आई मेकअप जब भी आपको करना है तो आपको, देखो बिगनर्स जो होते हैं ना, जैसे आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या कुछ, ठीक है, आप इतना सारा सामान मार्केट में जाओगे, पहले वो ढूंढोगे लिस्ट बनाओगे, इससे बेटर होता है कि आप कुछ ऐसा ना लिप पैलेट, मतलब मेकअप पैलेट खरीद लो। ये देखो मेकअप पैलेट का ये फ़ायदा है कि इसमें सब चीज़ें एक में ही होती हैं, बजट फ्रेंडली होता है। तो ये मैंने चंडीगढ़ से लिया था, और ये है हिलेरी रोडा का, ड्यूप है ये हिलेरी रोडा का, ठीक है। एंड ये इसमें सब कुछ है, मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया आई बिलीव, आप देखना। तो ये एक किट है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके बीच में ही। ये देखें आप, एक बहुत अच्छा सा मिरर है, देन उसके बाद यहाँ पर आई शेडो के कलर्स हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे से इन्होंने रखे हुए हैं ऐसे करके। देन उसके बाद ये ओपन हो जाता है, ये देखो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है लिप कलर्स, टीनेजर्स के लिए बेस्ट है यार, जो नहीं खरीद सकते इतना सारा, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेगी आपको, पाउडर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको हाइलाइटर भी मिलेगा, आप इसको एज ए ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हो शाइन ग्लिटर ऐड करने के लिए, एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर है यहाँ पर। ये आपको ब्लशर की 4 शेड्स मिल रही हैं, 2 शाइनी में और 2 मैट में। इवन आई शेडो एप्लीकेटर्स हैं, ब्लशर एप्लीकेटर है, लिप एप्लीकेटर भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप ले सकते हो जिसमें कि आपका एक ही चीज़ में सब कुछ हो जाएगा। ये आपको अराउंड 700-800 के अराउंड मिल जाएगी, मुझे चंडीगढ़ मार्केट से ये 700-800 के अराउंड मिली थी, मुझे याद नहीं है, इतने में ही आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ही चाहो तो आप ढूंढ सकते हो उसको, पर यार ऑनलाइन से मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में आपको बहुत सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन जो है वो इतना सस्ता नहीं होता, वहाँ वो अपना मार्जिन काट लेते ही, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको आई शेडो पैलेट चाहिए, ठीक है, और आई शेडो पैलेट के साथ साथ आपको आई शेडो लगाने के लिए ब्रश भी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 3 रैंडमली ब्रश चूज़ किए हैं, एंड आपके पास जो भी आप किट मंगवाओगे उसमें ब्रश होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपको यूज़ करना है वो आपको यूज़ करनी है आईब्रो पेंसिल, ठीक है। कई लोगों के तो आईब्रोज बहुत डार्क होते हैं, उनको कोई भी उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप फाउंडेशन लगाते हैं ना फेस पर, तो क्या होता है आपके ये जो आईब्रोज हैं इनका कलर, रियल कलर सबमर्ज हो जाता है फाउंडेशन के कलर में। तो उसको वापस लाने के लिए आपको आईब्रो पेंसिल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आईब्रो पेंसिल ये मेरे पास 2 मैंने दो हैं मंगवाई थी। देखो ब्लैक कलर ना बहुत ज़्यादा नकली सा ऐसे फेस लगता है, बिल्कुल मीम सा, और ये देखो ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल लेनी चाहिए, बेस्ट होती है, ठीक है। एंड ये वाली तो है, ये मिस क्लेयर की मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन ये भी, एंड ये इसके आगे एक स्पूली भी बनी हुई है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को ऐसे ऐसे करके आप ब्रश कर सकते हो, देन इनकी शेप कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगी आपको जल्दी, ओके। तो आईब्रोज़ हो जाने के बाद अब हमें नेक्स्ट चाहिए आईलाइनर, ठीक है। तो आईलाइनर आप बेसिक आईलाइनर से स्टार्ट कर सकते हो, लैक्मे का आईलाइनर आ जाता है 95, या मुझे नहीं पता आप कितने का आता है, लैक्मे का मैं यूज़ नहीं करती। तो अगर आप ऑनलाइन चेक करो पर्पल पे, तो स्टे क्वालिटी का भी इसी बजट में आपको मिल जाएगा, इसमें बहुत कलर्स अवेलेबल हैं, ये मैट है। मैंने इसके सारे कलर्स ट्राई नहीं किए, मैंने इसका ब्लैक ही ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, एंड और भी 4 कलर्स कुछ और पता नहीं ज़्यादा कलर्स हैं, आप देखना आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत एक अच्छा मेथड होता है अपने मेकअप को एकदम से ट्रेंडी, कुछ नहीं किया है फेस पे तो जस्ट कलरफुल आईलाइनर लगाया, लिप कलर लगाया, निकल गए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, एंड लोग सोचते हैं वाओ इसने पता क्या क्या लगाया है, ठीक है। तो ये स्टे क्वालिटी का आईलाइनर है, आप कोई भी तरह का आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि ये बिगनर वीडियो है एंड बजट फ्रेंडली दिखानी है, तो मैं आपको फिर स्टे क्वालिटी से ही मेकअप करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आईलाइनर हो जाने के बाद हमें चाहिए आईलैशेस कलर, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हुए डरते भी हो, तो आपकी चॉइस है, अगर आप यूज़ करना चाहो करो, अगर आप नहीं करना चाहो तो कोई मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा सा ना आईज़ को ये पॉपअप दिखाता है, ओपन दिखाता है जब आप इसे यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आईलैशेस कलर चाहिए हमें नेक्स्ट, उसके बाद हमें चाहिए मस्कारा, ठीक है। तो मस्कारा मैं पर्सनली मस्कारा लगाना इतना पसंद नहीं करती हूँ, एंड अगर करती भी हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा यूज़ करती हूँ, ये आपको ओरिफ्लेम में मिल जाएगा, ओरिफ्लेम में ट्रांसपेरेंट मस्कारा मिल जाएगा आपको ढूंढना। तो ये मैंने ब्लैक लिया हुआ है इसका एक मस्कारा, एंड 5-in-1 वंडर लैश मस्कारा है ये, वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छा मस्कारा है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मस्कारा आपको नेक्स्ट चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है ब्लशर, ठीक है। वैसे तो वो जो आपने पैलेट लिया है आई शेडो वाला, जो पैलेट मैंने आपको दिखाया था उसमें ब्लशर और हाइलाइटर सब कुछ है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहो तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो ब्लशर। ये देखिए मेरे पास ये एवॉन का ब्लशर है, बहुत अच्छा ब्लशर है ये, मैंने यूज़ भी कर लिया, आप देखो कितना। तो एवॉन का ब्लशर है, इसके साथ एक ब्रश भी आता है, तो ब्लशर आपको चाहिए आपकी लिप्स को, आपकी चीक्स को ग्लोई बनाने के लिए और पिंकी पिंकी बनाने के लिए। एवॉन का है ये ब्लशर, ब्लशर मैं नॉर्मली पिंक कलर लगाना अवॉइड करती हूँ, मुझे पिंक कलर इतना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा पीच टोन्स की तरफ जाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कोरल और पीच टोन। आप लोग भी जो बिगनर्स हैं वो पिंक को थोड़ा कम यूज़ करके पीच की तरफ जाएं, जो पिंक होता है वो बड़ा ब्राइडल सी लुक देता है, वो बड़ा ही जैसे आपको बारात काइंड ऑफ फंक्शन में जाना है या रिसेप्शन, तब आप लगाएंगे। अगर आपको बेसिक डे टू डे लुक चाहिए या कॉकटेल लुक चाहिए या कोई सिंपल पार्टी या फेवर लुक चाहिए, आप हमेशा कोरल्स ट्राई करें, कोरल पीच शेड होती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरे पास हाइलाइटर,
उस किट में हाइलाइटर भी था, पर अगर आप अलग लेना चाहें अलग ले सकते हैं। सिवाना कलर्स का हाइलाइटर मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इनके रिव्यूज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, पीछे किसी प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी प्लेलिस्ट में रिव्यूज़ में जाना आपको मिल जाएगा। सो ये हाइलाइटर जो है इसमें 5 कलर्स हैं आप देखें अगर, तो इसके साथ कोई ब्रश नहीं था, पर इतना भी बहुत है, 5 शेड्स हैं आप पास से देखें इसमें। तो ये हाइलाइटर है, एकदम से ग्लो ऐड करता है आपके फेस के जो हाइलाइटेड पॉइंट है वहाँ पर। तो ये हाइलाइटर आपको नेक्स्ट चाहिए। मैंने कहा ना लिप पैलेट ले लो, बेस्ट है उस वो जो आई शेडो पैलेट ले लो, मेकअप पैलेट, उसमें सब कुछ यू विल गेट ऑल थिंग्स इन एक ही चीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें चाहिए लिप कलर जो हमने लगाना है। तो आपके लिप्स की डार्कनेस को कैंसिल आउट करने के लिए आप थोड़ी थोड़ी सी फाउंडेशन लगा सकते हैं लिप्स पे, ठीक है। पाउडर से अगेन उसको करके फिक्स आप लिपस्टिक लगाएं, अगर आप वो नहीं कर सकते एंड तो आपको ये देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये है कलर करेक्टर, येलो कलर का मैंने मंगाया था, ये आप लगा सकते हैं लिप्स पे, ठीक है, एंड इसको स्प्रेड करके अच्छी तरह से देन आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो जो ब्लैक कलर जिन लोगों की टैनिंग होती है लिप्स में या ओरिजिनल कलर लिपस्टिक का नहीं दिखता है, तो पहले इससे आप कैंसिल कर रहे हैं जो आपकी ब्लैकनेस है लिप्स की, देन आप लिपस्टिक की तरफ जाएँ, ठीक है। अब लिपस्टिक के लिए मैं आप लोगों को अगेन बजट फ्रेंडली बताऊँगी, ये है हमारी एलेटीन की कलर पॉप्स की लिपस्टिक, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स हैं मैट में एंड मेरे पास बहुत शेड्स हैं इसमें। सो ये शेड भी मैंने एक ऑनलाइन मंगाई थी, ये पीच, देखो मैंने आपको बताया था मेरे को पीच कलर बहुत पसंद है, सो पीच कोरल पीच शेड है ये, बहुत अच्छी शेड है ये, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, 100 रुपीज़ की आ जाएगी ये, उससे ज़्यादा महंगी नहीं है एंड बिगनर्स के लिए बेस्ट है ये, और ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और लिपस्टिक जो है एकदम से आपके मेकअप को एक वो दे देती हैं, ऊम फैक्टर दे देती हैं और आपका मेकअप एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मेकअप आप हर तरह का करें जैसा भी आप करें, लेकिन अगर आप लिपस्टिक जो है वो बड़ी ब्राइट लगा लेते हैं या कुछ लगा लेते हैं, वो एकदम से आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और अगर इन द सेम वे मेकअप आप बहुत अच्छा करें और लिपस्टिक का कलर आपने कोई ऐसा चूज़ कर लिया है जो अकॉर्डिंग टू द वो नहीं है, तो बिल्कुल ही आपकी वो चली जाती है, लुक चली जाती है, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आप अगेन बिगनर हैं और कॉलेज गोइंग हैं, इतने पैसे आप नहीं खर्च कर सकते हो, ठीक है, तो आपको तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, अगर आप बिगनर हैं और आप इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं अगेन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, अब आई शेडो अलग से खरीदें, हाइलाइटर अलग खरीदें, ब्लशर खरीदें, ब्रश भी खरीदें, ठीक है, क्या क्या खरीदें, ठीक है। सो इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो कि एक ही पैलेट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया वो मेकअप पैलेट, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। एंड अगेन इन द सेम वे लिप पैलेट भी आता है एक, अगर आप कुछ अलग लिप कलर्स के साथ ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लिप पैलेट दिखाती हूँ, उसका रिव्यू मैंने मेरे चैनल पर डाला है, पता नहीं डाला शायद, पर मैं अलग से भी इसका रिव्यू कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। सो ये मैट लिपस्टिक है, ये है स्विस ब्यूटी का लिप पैलेट, देखें आप ये कलर है, एंड खोल के दिखाना ज़रूरी है क्या, देख लो ना ऐसे ही, जब मैं यूज़ करूँगी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्रश इसके साथ नहीं मिला था, ये ब्रश मेरे दूसरे उसका है, तो ये लिप पैलेट है, चलो दिखा देती हूँ यार, ठीक है, फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी यार, चलो रुक जाओ फिर। तो ये लिप पैलेट मैंने मंगवाया था और मैंने अभी तक इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया हुआ है, ये लिप पैलेट है और बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं आपने जाना है तो ये एक आप ले जाओ अपने साथ, देखिए हर एक कलर है इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो लिप पैलेट, एंड सारी शेड्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं एंड बिल्कुल बिगनर के लायक ही शेड हैं, ये कोई ऐसी शेड नहीं है जो कोई आंटी काइंड ऑफ मतलब आपको बड़ी अडल्ट बड़ी बड़ी लुक देंगी, ये सब ऐसी शेड हैं जो आपके जो बच्चों के लिए जो शेड होती हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए होती हैं, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना मेरी वीडियो को और कमेंट जरूर करना नीचे, एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है वो भी कमेंट करना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिगनर्स के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा मेकअप बहुत जल्दी हो जाने वाला, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।